एवरी वन माई नेम शिशन एंड वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे कल वीकली एक्सपायरी पे कौन से स्टॉक्स पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं वीकली एक्सपायरी किस तरीके की रह सकती है किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर एक मैसेज डाला हुआ है वो मैसेज पे आप लोगों को लाइक और डिसलाइक करना है ठीक है आप लोगों को नीचे कुछ टाइप नहीं करना तो वो मैसेज है क्या मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ हम लोग सोच रहे हैं जिस तरीके से हम लोग अराउंड दो बजे मार्केट पे लाइव आते हैं हम लोग सोच रहे हैं एक प्री मार्केट लाइव सेशन भी हम लोग स्टार्ट करें जो कि हम अराउंड एट से नाइन तक करें जहां पर हम आप लोगों को लाइव मार्केट की थोड़ी असिस्टेंस जब मार्केट ओपन हो या प्री मार्केट की थोड़ी असिस्टेंस प्रोवाइड करवा पाए सो वहाँ पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ में तो आप लोग लाइक कर सकते हैं अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड है तो आप लोग डिसलाइक उस पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन को कर सकते हैं ठीक है और अपने कोई भी व्यूज हैं तो आप वो नीचे हमें बता सकते हैं बट उस पर जो भी वोटिंग होगी वो वोटिंग लाइक और डिसलाइक के कमेंट्स के थ्रू ही होगी ओके एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी मैं डेली दो स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ और वहां पर हम लोग कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं वहाँ पर मैं कुछ पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जहां पर हम लोग कैंडल स्टिक को समझ रहे हैं बहुत ईजीली तो वहां पर जाके हम हमें डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एंड जिस तरीके से आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं यूट्यूब और का इंस्टाग्राम के अंदर मैं डेफिनेटली सोच रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी हम लोग दस थाउजेंड फॉलोअर्स इंक्रीज कर लेंगे या क्रॉस कर लेंगे एंड विद इन अ मंथ और टू हम लोग अपने वन लाख सब्सक्राइबर्स को भी यूट्यूब के अंदर क्रॉस कर लेंगे सो so अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी चलते चलते हम लोग जब आगे चलेंगे तो प्लीज़ डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ आ चुके हैं सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ वो है कोल इंडिया कोल इंडिया मैंने आप लोगों को लाइव मार्केट एनालिसिस पे भी सजेस्ट करा था कि आप लोग इस पर ट्रेड करके चल सकते हो एज अ बी टी एस टी यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम ऑन अ वन आर टाइम फ्रेम वन अ टाइम फ्रेम पे एक डबल बॉटम क्रिएट कर उसके बाद आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट रैली कंसिस्टेंट रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट आने के बाद अप मूव एंड इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम अब यहाँ से ही ऊपर जा रहा है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन जो मैं अपने टारगेट्स एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ अपने प्रीवियस हाइस के एक्सपेक्ट करते हुए चल रहा हूँ सो so, बात करते हैं फिबोनाची बना के देखते हैं कि ये वाला जो लेवल था क्या ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है सो येस फिबोनाची बनाते हैं फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप एंड यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है येस yes, फिबोनाची एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जीरो पॉइंट फाइव यानी कि फिफ्टी परसेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे इसने अपना पॉज लिया है ये देख रहे हैं यहाँ पर इसने अपना पॉज लिया है एंड इसने अपने प्रीवियस इस रिजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर गया है तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली एक बाइंग पोजिशन इनिशिएट करके चल सकते हैं अब बात आती है कि सर इस पर बाइंग कब करनी है तो मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ करंट मार्केट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो वो अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 151.5 के आसपास आपको ट्रेड करना है जब ये 152.20 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है यस yes, गाइस अगर ये 152.20 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है यू कैन गो फॉर अ बाय अ टारगेट शुड बी अराउंड 156 टू 157 हमें ये टारगेट्स आराम से मिल सकते हैं सो so, हमें पेशेंसली वेट करना है फॉर अ ब्रेकआउट ऑफ वन ट्वेंटी रुपीज का ठीक है आई होप आप लोग समझ गए होंगे लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक आर नेक्स्ट स्टॉक इज सोलर इंडस्ट्री सोलर इंडस्ट्री में आप लोगों को बहुत बार दे चुका हूं ऑन अ सेल साइट बट वो पर्टिकुलर स्टॉक कभी भी डाउन देता ही नहीं था ठीक है अब यहां पर क्या हुआ अगर मैं आप लोगों को यहां दिखाता हूँ तो स्टॉक ने करा क्या है आप देखिएगा ये देख रहे हैं एक शार्प अपमूव आई है फ्रॉम नीचे से अराउंड थाउजेंड के लेवल से एक शार्प अपमूव आई थी जो कि उसे फोर्टीन हंड्रेड तक लेकर चली गई थी उसके बाद एक रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है बहुत टाइम से ठीक है अगर आप यहाँ देखेंगे मैं आप लोगों को बना ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने बना रखा है इस पर्टिकुलर लेवल को आपको फॉलो करना है ये क्या कर रहा है अगर आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसने पहली बार सपोर्ट लिया मल्टीपल बार सपोर्ट लिया रेड कलर की लाइन को उसके बाद रेड कलर की लाइन का ब्रेक डाउन दिया ब्रेकडाउन देने के बाद आप देख रहे हैं वहीं नीचे फिर इसने एक रेंज के अंदर काम करना स्टार्ट कर गया फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है और वो जो पहले सपोर्ट था वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा है आप देख रहे हैं क्लियरली कितनी बार इस रेड लाइन के ऊपर इसने जाने की कोशिश करी है बट ऊपर गया नहीं है इसके ऊपर सो so, अब आज के दिन इसने एक ब्रेकआउट दिया है इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट इसके ऊपर जो दिया है मतलब एक हफ्ते के कंसोलिडेशन या दो हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद इसने क्लियर ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर हम लोग एक बाइंग करके चल सकते हैं करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है करंट मार्केट प्राइस पे अराउंड ट्वेल्व फिफ्टी एट पे आप ट्वेल्व सिक्सटी वन के ऊपर एक बाइंग कर सकते हैं एंड यहाँ पर मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा डेली चार्ट्स पे इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एक डेली चार्ट चार्ज पेसन एक डबल बॉटम ये देखिए नीचे आया ऊपर गया नीचे आया एंड अब ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है सो so यहाँ पर एक डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम डेफिनेटली एक जनरेट हो सकता है तो आपको 1261 के ऊपर एक बाइंग करनी है एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1270 1280 तक के टारगेट्स मिनिमम हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं जो सोलर इंडस्ट्रीज हम लोगों को दिखा सकता है आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ एंड आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टॉक दैट इज वोल्टास ये वोल्टास पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत टाइम से आप लोगों को बता रहा था कि आपको बाय करना है जब ये थाउजेंड इलेवन के ऊपर जाएगा ठीक है थाउजेंड इलेवन के ऊपर जब जाएगा मैं दिखा देता हूँ क्या रीजन था मेरा बाय करवाने का अगर आप ये देख रहे हैं आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक साल पुरानी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हुए हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा हुआ है जो बॉटम पे क्लियर सपोर्ट ले रही है उसके बाद अगर आप देखेंगे मैंने एक रेजिस्टेंस से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करी हुई है जो कि एक रेजिस्टेंस भी ले रही थी सारे हाईस को कनेक्ट करते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर उसने उस हाई के ऊपर क्लोजिंग करी है एक अपने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करी है प्लस एक साइकोलॉजिकल लेवल जो कि एक थाउजेंड इलेवन का लेवल था वन ज़ीरो वन जीरो का लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग करी है वाई क्यों लेवल वो इंपॉर्टेंट था बिकॉज वहाँ पर मल्टीपल हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पर मल्टीपल एक प्रेशर था वहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर मल्टीपल वॉल्यूम्स हम लोगों को देखने को मिल रहे थे तो उसके ऊपर आज क्लोजिंग करिए अराउंड वन जीरो टू ज़ीरो के आसपास क्लोजिंग करिए इट्स अ वेरी गुड साइन अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ठीक है अब आपको करना क्या है ये यह देखिएगा यहाँ पर मैं एक एनालिसिस आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ ये पर्टिकुलर एक एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पे आपको क्या करना है जब 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी यानी कि अगर ये 15 मिनट की कैंडल 1022 के ऊपर क्लोज करती है यू कैन गो फॉर अ बाय हमारे जो टारगेट्स होंगे वो होंगे अराउंड 1045 एंड 1050 के हम अपने टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वोल्टास के अंदर बट हम लोग बाय तभी करेंगे जब एक पंद्रह मिनट की या पाँच मिनट की कोई भी कैंडल अगर थाउजेंड के ऊपर क्लोज करती है आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ठीक है, है है जो जो हमारा है, वो है मैंने आप आप लोगों 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 को को अपने market analysis, आज आज हम ने करी थी वहाँ पर भी suggest करा था कि ये वाला particular stock मैं आज आप को दूंगा ऐसा BTS थी, तो आप लोग वहां पर भी ट्रेडिंग बेट करके चल सकते हैं देखिएगा जरा आप लोग पहले सबसे पहली बात तो ये रेंज के अंदर काम कर रहा है मल्टीपल एक रेंज के अंदर काम कर रहा था उसके बाद एक बार इसने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था ब्रेकआउट देने के बाद वहां पर प्रीवियसली ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस था ये जोन मैंने क्रिएट कर रखा है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है ठीक है और वहां से दोबारा नीचे आ गया नीचे आने के बाद अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पर वन आवर का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए सो यहाँ पर आप देखेंगे सी यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है एट पर्टिकुलर दिस लेवल अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है ये देख रहे हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर भी ले रहा है सो so यहाँ पर अगर कल इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी बाइंग हम लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल सकती है सो so करेंटली अगर मैं स्टॉक के प्राइस की बात करूँ तो वो वो के आसपास ट्रेड कर रहा है हम लोग थ्री के ऊपर एक बाय कर सकते हैं अगर थ्री के ऊपर पंद्रह मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग एक बाय कर सकते हैं जो मेरे टारगेट्स होंगे वो होंगे थ्री नाइनटी फाइव से फोर हंड्रेड रुपीज तक के टारगेट्स ठीक है आपको करना क्या है अगर ये थ्री एट्टी फाइव के ऊपर पंद्रह मिनट की कैंडल क्लोज करती है वी हैव टू बाय फॉर अ टारगेट ऑफ थ्री नाइनटी फाइव फॉर अ टारगेट ऑफ फोर हंड्रेड रुपीज ठीक है आई होप आप लोग समझ गए होंगे एक चीज इस पर और भी हो सकती है क्या हो सकती है ये देख रहे हैं एक स्पेक शोल्डर क्रिएट हुआ एक हेड क्रिएट हुआ अब शायद ये दोबारा एक बार नीचे आए और नीचे आके एक शोल्डर दोबारा बना और एक हेड एंड शोल्डर का फिर ब्रेकआउट दे तो आप लोगों को पहले वेट करना है कि उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा उस हिसाब से ही आप लोग ट्रेड करके चलेंगे हो सकता है ये नीचे आ जाए उसके बाद रिकवर करके ब्रेकआउट दे दे तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने के लिए आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर एंटर करना पड़ेगा ऐड करिए कोई भी मूवमेंट आती है ट्रैक करिए अगर ब्रेकआउट आता है तो बाय करिए ठीक है सेल साइड में ये स्टॉक अभी नहीं है लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोगों का है वो है टीवीएस मोटर्स टीवीएस मोटर्स मुझे लग रहा है कपल ऑफ डेज एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है आने वाले टाइम पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हुआ क्या है ये देखिएगा स्टॉक पे सबसे पहले मैंने एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का यूज करा हुआ है वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये एक जो रेड कलर का देख रहे हैं ना एक रेड कलर का लाइन ये रेड कलर की लाइन और ये पूरा का पूरा जोन ये पूरा जोन ये जो पूरी रेंज है ये पूरी रेंज हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस का काम है बिकॉज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के एड ऑन हुए हैं एग्जैक्ट इस लेवल पे ठीक है सो so, अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिलता है तो एक क्लियर बाय हम लोग कर सकते हैं बिकॉज एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो चार महीने पहले इसने एग्जैक्ट इसी लेवल को टेस्ट करा था जो कि सिक्स फिफ्टी का था वहां पर डबल टॉप क्रिएट करके स्टॉक नीचे आया था अब दोबारा ऊपर गया है एंड दोबारा ऊपर जाने के बाद फिर एक बार इसने अराउंड फर्स्ट मार्च को ये ऊपर गया दोबारा नीचे आया इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये देख रहे हैं इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम एम दोबारा ऊपर गया आए सो यहाँ पर ये यह क्या कर रहा है यहाँ पर एक फॉर्मेशन इसने फॉर्म करा है जो मैं आप लोगों तो को दिखाना चाहूंगा इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन मेंटेन करा हुआ है आप अगर देखेंगे ये देख रहे हैं इसने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन मेंटेन करके रखा हुआ है एंड आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पर एक बाइंग अप आ सकती है ठीक है एक बाइंग अप आ सकते है। ये देख रहे हैं कप एंड हैंडल है इसका जैसी ब्रेकआउट आता है सिक्स फिफ्टी के ऊपर एक बहुत शार्प रैली आ सकती है जो कि इसे सेवन हंड्रेड रुपीज के लेवल तक लेकर जा सकती है ये स्टॉक पर्सनली मैंने बाय करवाया हुआ है बट अभी उस लेवल तक पहुंचा नहीं है तो हम लोगों ने बाय करा नहीं है बट वी आर स्टिल वेटिंग अगर जैसी इसके ऊपर निकलता है हम लोग बाय कर सकते हैं करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो ट्रेड कर रहा है अराउंड थ्री सॉरी सिक्स थर्टी सेवन के आसपास अगर ये मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमें बाय बाइकअप करना है तो उसके लिए मैं पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए एंड uh, यहाँ पर हमें जो इस पर बाइंग पोजिशन इनिशिएट करनी है वो बाय करनी है जब ये 642 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा ये yes, गाड़ी जैसी ये 642 इस ब्लैक कलर की लाइन को मैं रेड कर देता हूँ इस रेड कलर की लाइन के ऊपर जैसे ही निकलना स्टार्ट करेगा 642 के ऊपर हम लोग बाय कर सकते हैं इंटर के टारगेट हमारे होंगे सिक्स फिफ्टी के बट अगर आप लोग लो होल्ड कर सकते हैं एज अ पोजिशनल ट्रेड एज अ स्विंग ट्रेड तो ये सिक्स के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो सेवन तक के टारगेट्स भी हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट करके चल हैं

तो ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था ये देख रहे हैं? एक मल्टीपल रेंज के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काम करा कर था मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अठारह से कल से हम लोगों ने देखा जब एक गैप ऑफ ओपनिंग हुई थी उसके बाद एक रेंज के अंदर ये काम कर रहा था आज भी उसी रेंज के अंदर ओपन हुआ और उसी रेंज के अंदर काम करा कर बट लास्ट आर में अराउंड 130 के आसपास इस रेंज में एक ब्रेकडाउन आया नीचे साइड में ऊपर गया पुल बैक के लिए एंड दोबारा नीचे आ गया दोबारा नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं इसने एक रेंज तो पहले यहां मेंटेन करी अब एक रेंज यहाँ मेंटेन करके चल रहा है और इसने इस रेंज का भी लोअर लेवल को ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पर किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है क्या निकल के आ रहा है वो सारी बातें करते हैं अभी करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो वो करंटली अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी फिफ्टीन थाउजेंड uh, के लेवल पर फिफ्टीन थाउजेंड के लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं अगर कल ये फिफ्टीन के नीचे ओपन होता है अगर 15,000 के नीचे ओपन होता है तो हम लोग सेल साइड बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ जो ये गैप देख रहे हैं इस गैप का हमारा एक टारगेट हो सकता है ये देख रहे हैं ये गैप मेंटेन करने के लिए आ सकता है इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है यहां पर हम लोग एक पॉज ले सकते हैं सो so, अगर 15,000 ब्रेक करता है वी कैन शॉर्ट फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड अराउंड 14,940, ऑलमोस्ट सिक्सटी रुपीज हम लोग यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आई होप आप पर यहां पर आप लोगों को विजिबल हो गया होगा कि एक रेंज बनाया उस रेंज का ब्रेक डाउन फिर एक रेंज बनाया उसका रेंज का ब्रेक डाउन अब सर क्या करना है अगर गैप ऑफ ओपनिंग हो जाता है अगर गैप ऑफ ओपनिंग होता है तो अगर ये इसके ऊपर गैप ऑफ ओपनिंग होता है मतलब फिफ्टीन थाउजेंड सेवेंटी के ऊपर अगर गैप ऑफ होता है ये रेंज देख रहे हैं इस रेंज के ऊपर अगर खुलता है तो हम लोग बाय भी करके चल सकते हैं हमारा जो टारगेट होगा वो होगा फिफ्टीन से लेके फिफ्टीन तक का ठीक है 15,070 के ऊपर बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 15,120 टू 15,140 हमें सेल करना है 15,000 के नीचे फॉर अ टारगेट ऑफ 14,940 का आई होप आप लोग समझ गए होंगे बट सर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो किस तरीके से ट्रेड करना है अगर गैप डाउन ओपन होता है और अपने टारगेट्स के आसपास ही ओपन होता है तो हम लोग पहले पेशेंसली वेट करेंगे ठीक है और उसके लिए मैं हम लोग क्या करते हैं फिर वो नाची का यूज कर लेते हैं अगर इसके इस बिल्कुल एग्जैक्ट गैप डाउन पे ही ओपन होता है और वहाँ से ही नीचे आना स्टार्ट करता है तो भी हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे अगर गैप डाउन ओपन होता है और चौदह हज़ार फोर्टीन के आसपास ही आता है तो हम लोग वेट करेंगे जैसे ही फोर्टीन का लेवल ब्रेक करेगा हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ फोर्टीन हम लोगों को सिर्फ फिफ्टी पॉइंट्स की नीड है निफ्टी के अंदर तो हम फिफ्टी पॉइंट्स कहीं पर भी ऑन अपसाइड ऑन होना डाउन साइड मिलेगा हम लोग लेके एग्जिट कर देंगे ठीक है आई होप आप लोग समझ गए होंगे ठीक है अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी एक गैप डाउन दिया गैप अप ओपनिंग दी थी 18 तारीख को उसके बाद वो भी एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये एक रेंज के अंदर मल्ट अठारह तारीख से कंसोलिडेट कर रहा है जिस तरीके से निफ्टी ने अपने रेंज का एक ब्रेक डाउन दिया है बैंक निफ्टी ने अभी तक यहाँ पर नहीं दिया है रेंज इस पर्टिकुलर रेंज का मैं अगर ट्रेंड लाइन का कलर चेंज कर दूँ तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इस रेंज का एग्जैक्ट बॉटम पर अभी ट्रेड कर रहा है प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस लेवल पे फोकस करेगा इस लेवल पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये देख रहे हैं फर्स्ट टाइम सपोर्ट सेकंड टाइम मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पर ले भी रहा है सो so, हमें करना क्या है करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है अराउंड थर्टी के आसपास अगर ये 33,630 या 620 के नीचे एक पाँच पंद्रह मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है मतलब इस जोन के नीचे मैं दोबारा लेवल्स रिपीट कर देता हूँ अगर 33,640 के नीचे पंद्रह मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है तो आप लोग एक डेफिनेटली शॉट बना के चल सकते हैं एंड इसके जो टारगेट्स होंगे मैं आप लोगों को टारगेट्स बता देता हूँ सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा जो ये गैप है इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है बैंक निफ्टी जो कि अराउंड है 33,500 का सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम यहां पर हम लोगों को 100 टू 150 पॉइंट्स मिल सकते हैं बट हमारे लिए 90 टू 100 पॉइंट्स इज सेल्फ सफिशियंट इन बैंक निफ्टी 50 पॉइंट्स आप निफ्टी पे ले सकते हो 90 टू 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मिलता है सेल्फ सफिशियंट ठीक है अब क्या करना है सर अगर गैप डाउन ओपन होता है और इसी लेवल पे ओपन होता है अगर ये इसके नीचे जा रहा होता है और अगर इसके नीचे रिले मतलब आपको क्या करना है मार्केट ओपन होती है और वो थर्टी थ्री ही ओपन होती है सो so आपको क्या करना है चार्ट्स ओपन करने मिनट मिनट के के टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम पे पे जाने पे अगर दो कैंडल एक एक मिनट की रेड बन सॉरी तीन कैंडल आई एम तीन कैंडल अगर रेगुलर रेड बनती है नीचे की साइड में सो so आपको एक बार वेट करना है जैसे एक पुल बैक आता है वहां पर आपको शॉर्ट कर देना और ये दोबारा नीचे और आ सकता है और भी वहां से दो सौ रुपए तक के भी फॉल कर सकता है बट अगर ये इस लेवल पे खुल के ऊपर जा रहा होता है तो भी हमें कोई ट्रेड नहीं करना हमारे लिए बाय तभी होगा जब ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा अगर ये 33,800 के ऊपर निकलेगा तो ही हम लोग बाय करेंगे जब इस जोन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा जैसे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा हम लोग बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ थर्टी एंड थर्टी का आई होप आप लोग समझ गए होंगे थ्री टू फोर पॉइंट्स की अपसाइड है एंड यहाँ पर वन पॉइंट्स की डाउन है बट अगर और नीचे जाता है तो एक हेवी सेलिंग और प्रेशर इसके अंदर देखने को मिल सकता है सो so, इसके बारे में हम बात करेंगे जब लोग लाइव आएंगे कल दोबारा मंडे मतलब थर्सडे को आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बता सकते हैं कि आप लोग प्री मार्केट

talks as well bye bye guys good night